इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं। जिसकी मुझे खुद की जिसका मुझे खुद पता है, जो मुझे खुद जानकारी है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्लीज मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, आप लोगों से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह ये थी, आप जान लो। तो प्लीज भाई लोग शहबाज भाई से नाराज मत, और इसलिए कभी भी देखना, आपको ट्रेडर आपको कम कीमत में बर्ड सेल कर सकता है ब्रीडर के मुकाबले। उसको अपने पास में बच्चे छोटे साइज में आ रहे हो, बच्चे की फेदर कंडीशन अच्छी नहीं आ रही हो, मार्किंग्स अच्छी नहीं आ रही हो, तो उसको हम लोग को बेसिक में ले जाना पड़ता है। बेसिक में ले जाने के बाद में फिर उसके स्प्लिट्स बनते, स्प्लिट्स के बाद में फिर उसको क्रॉस पेयरिंग करके प्योर बनते, प्योर जब ब्रीड आती है अपने पास जो थर्ड जनरेशन में, तो आएगी प्योरिटी, जो रहेगा खरा सोना। जो प्योरिटी, जब उसकी जो प्योरिटी आएगी, वैसी प्योरिटी आपको फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में नहीं मिलेगी। तो थर्ड जनरेशन, इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसके लिए 3 साल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज भट्ट, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में, वेलकम है आपका हमारे एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोज में। तो आज के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मिला है हम लोग को, कि जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं भाई किसको किसी के साथ पैर करना चाहिए, किसको किसके साथ पैर करना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे पास में व्हाइट फेस का मेल है, उसको मैं कौन सी फीमेल लगाऊँ, मेरे पास में अल्बिनो का मेल है, मैं उसको कौन सी फीमेल लगाऊँ, मेरे पास में सेडल बैग का मेल है, मैं उसको कौन सी फीमेल लगाऊँ, या मेरे पास में सेडल बैग की फीमेल है, मैं उसको कौन सा मेल लगाऊँ। बहुत से भाई लोगों को क्वेश्चन आते हैं, बहुत से भाई लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं दोस्तों मेरे, क्योंकि मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं दे पाता, या फिर ऐसा रिप्लाई, मेरे रिप्लाई सुन के वो लोग नाराज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं उनको बताना नहीं चाह रहा। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग में से निकाल दो। इसमें देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी का भी कितना भी अच्छी पेयरिंग हो जाए और किसी की भी कितनी भी अच्छी ब्रीड आ जाए, मैं उन लोगों से खुशी रहूँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पास जैसा एक जेलेसी के तौर पे या एक एटीट्यूड के तौर पे मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो डिफरेंस ये होता है ना, मैं क्यों नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोग ने बर्ड जो आपके पास है उसका बैकग्राउंड क्या है वो नहीं मालूम रहता। तो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि बर्ड का बैकग्राउंड जो होता है ना, पेडिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, एक रिकॉर्ड, वो हर ब्रीडर की नींव है, वो हर ब्रीडर का एक बेस है। वो आप चाहे इसको, कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ बोलने की बात है, ये है वो है, तो भाई देखो जिन लोग को नहीं मालूम है उन लोग को नहीं मालूम है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मालूम, उनको समझना ही नहीं है शायद। फिर तो देखो, वो जो रिकॉर्ड रहता है ना, ब्लड लाइन जिसको हम कहते हैं, पेडिग्री जिसे हम कहते हैं, वो एक हर ब्रीडर का बेस होता है। तो आप लोग अगर किसी से भी बर्ड ले रहे हो, तो उससे या तो उसकी पेडिग्री नोट डाउन कर लो और उससे पूछ लो, भाई अगर ये मेल है तो इसको फीमेल क्या क्रॉस की जाए, और ये फीमेल है तो उसको मेल कौन सा क्रॉस की जाए, और कौन से ब्लड लाइन से आता हुआ मेल, कौन से पेडिग्री से आता हुआ मेल या फीमेल, जो भी एक्स वाई जेड, उसको क्रॉस किया जाए। तो देखो सबसे पहली बात ये कि आपने, मैं बहुत भाई लोग मेरे से नाराज हो गए बीच में, 2-4 बंदे लोग मेरे से नाराज हुए कि भाई आप बता नहीं रहे हो पेयरिंग, आप जानबूझ के नहीं बता रहे हो पेयरिंग। तो मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ, भाई यही बोलना चाहता हूँ कि देखो पेयरिंग कुछ भी कर लो ना, अगर आपको सिर्फ सीखना है तो आप किसी को भी, किसी के साथ भी लगा दो, इसमें कोई शक नहीं है, बर्ड ब्रीड करेगा आपके पास। पेयरिंग हम लोग क्यों सोच समझ के की जाती है, ताकि उससे जो आउटपुट है हमारा, जो उससे रिजल्ट आने वाला है हमारा, वो अच्छा है। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बर्ड्स भी आज हमारे बहुत शोर कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर हम लोग कोई एक बर्ड है, मान लो एक व्हाइट फेस का बर्ड है, जिसकी ब्लड लाइन में पीछे कुछ नहीं है या आपको कुछ पता नहीं है, तो आप ऐसा मान के चलो कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को एकदम बेसिक लगाना है उसके साथ और मेरे को अपनी खुद की लाइन बनानी है, तो आप व्हाइट फेस को क्या करोगे, या तो आप पर्ल डालोगे, या तो आप अल्बिनो डालोगे, ये 2 चीज डालोगे, या तो फिर आप व्हाइट फेस डालोगे, ये 3 पेयरिंग उसकी कर सकते हैं। तो अगर अपने को लाइन मालूम है, और अगर अपने को लाइन मालूम है, तो फिर उसमें से काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाते हैं अपने पास। जैसे कि अगर वो पाइट की लाइन में से आ रहा है, तो उसको पाइट डाल सकते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास पाइट की लाइन और मजबूत हो जाए। अगर अपने को श्योर है कि वो अल्बिनो की लाइन में से आ रहा है, तो हम लोग उसको अल्बिनो डाल सकते हैं, ताकि हमारी अल्बिनो की लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये डिफरेंशिएट होता है, इसीलिए मैं किसी भी भाइयों को, बीच में अभी बहुत से मैसेजेस आए थे मेरे को कि भाई मेरे पास में 100 मेल है, इसको 100 फीमेल लगानी है, मैं कौन सी फीमेल लगाऊँ। तो देखो भाई, जिससे आपने मेल परचेस की हो, सबसे मेन ये चीज़ आती है कि आपने जिससे मेल परचेस किया, फर्ज करो एक कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि एक मोबाइल है,
वो मोबाइल आपने किसी के शॉप से परचेस किया और आपको उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप कहाँ जाओगे? आप वही मोबाइल वालों के पास जाओगे जिससे आपने मोबाइल परचेस किया, या तो फिर उसकी कंपनी में जाओगे। तो देखो, जो बड का भी ऐसी है, आपने समझो मेरे से बड लिया, अगर उसके उसके पेयरिंग में आपको कोई मसला आ रहा है, उसके रिजल्ट में आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप मेरे पास आओगे तो मैं उसकी जानकारी आपको अच्छे से दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसको पेडिग्री मालूम रहेगी, मेरे को उसके मालूम रहेगा मैंने ये बंदे को भेजा था क्या, क्या चीज थी वो, क्या क्या उसकी लाइन थी, क्या उसके साथ पेयरिंग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे मालूम रहेगा। तो वैसे ही आप किसी से भी बर्ड खरीद लेते हो, फिर आके मुझसे अगर क्वेश्चन करोगे कि भाई मैंने ये मेल खरीद लिया है, मेरे को इसके साथ फीमेल लगानी है, मैं कौन सी लगूँ, मैंने ये फीमेल खरीद लिया, मेरे को इसके साथ मेल लगाना है, मैं कौन सा लगूँ, तो उसका जवाब मेरे लिए देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि मेरे को उसकी पेडिग्री कुछ मालूम नहीं है, मेरे को आपका बर्ड कहाँ से आ रहा वो मालूम नहीं है, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं सब भाइयों को यही बोलता हूँ कि भाई आप एक्सपीरियंस करो, या तो फिर आपने जिससे परचेस किए हैं उससे बात करो, क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस दे पाएगा कि आपको लगाना क्या है, आपको पेयरिंग कैसी करनी है और आपको डाइट उसको क्या देना है। अब रही ब्लड लाइन की बात, अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन देखो ऐसा रहता है, ब्लड लाइन कोई किसी की जागीर नहीं है कि भाई ये मेरी लाइन है ये मेरी लाइन है, ऐसा नहीं रहता। ब्लड लाइन उसे क्या जाता है, जब 3 से 4 जनरेशन आपके पास आप क्रॉस कर चुके हो, 3 से 4 जनरेशन आपने उसके बच्चे बना चुके हो, तो आपको एक टोटल ये आ जाता है कि इसके ब्लड में मिक्स क्या क्या, उसे कहते हैं ब्लड लाइन। उसे आपको आगे का जो एक्शन लेना है उसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर मालूम रहता है, क्योंकि आप उसकी 3 जनरेशन देख चुके हैं। जो देखो ब्लड जो दौड़ता है ना, इंसानों में हो गया, बर्ड्स में हो गया, जो जिसे हम ब्लड लाइन कहते हैं, डीएनए बोल सकते हैं, जो डीएनए रहता है ना वो 3 जनरेशन तक के बहुत इफेक्टिवली कैरी करता है। जैसे अगर मैं आज समझो व्हाइट फेस इंटू अर्जुनों का एक पेयरिंग कर लूँ नॉर्मल से, वो नॉर्मल पेयरिंग में से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं समझता हूँ एकदम व्हाइट फेस मेरे पास बेसिक है, अल्बिनो मेरे पास बेसिक है, तो उसके उस पेयरिंग से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, उस पेयरिंग से मेरे पास आएगा समझो रिजल्ट में सबके सब मेरे पास आएगा व्हाइट फेस। अब वो व्हाइट फेस क्या करेंगे, वहां से मेरा ब्लड लाइन का पहला चैप्टर शुरू हो जाता है। वो व्हाइट फेस क्या करूंगा, मैं किसी को बेचूंगा नहीं, मैं अपने पास होल्ड करूंगा और ऐसे ही सिर्फ 2 पेयरिंग करूंगा, मैं व्हाइट फेस इंटू अल्बिनो, व्हाइट फेस इंटू अल्बिनो की 2 पेयरिंग करूंगा। तो इससे क्या होएगा, मेरे पास में एक पेडिग्री मेंटेन शुरू हो जाएगी, पेडिग्री रखना मैं स्टार्ट करूँगा कि मैंने व्हाइट फेस इनको अल्बिनो लगाया है 2 पैर, उनके ये बच्चे हैं मेरे पास, सब व्हाइट फेस बच्चे आ गए। अब व्हाइट फेस बच्चों का मेरे को कंफर्मेशन है कि इसके अंदर ब्लड है अल्बिनो का मिक्स, तो अब मैं इसको जब आगे क्रॉस पेयरिंग करूंगा तो मेरे को ध्यान में रहेगा कि अगर मेरे को अल्बिनो के ऊपर वर्किंग करनी है तो मेरे को ये व्हाइट फेस डालना है, और अगर सपोज करो मेरे को पाइट्स पे वर्किंग करनी है तो मैंने बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक है हमारा वाइट फेस क्लियर सीरीज में, कैचलेस सीरीज में, तो बेसिक है हमारा वाइट फेस। तो समझ लो सो हम लोग ने एक वाइट फेस का बर्ड ले लिया, उसके साथ में अगर हम लोग पाइड की वर्किंग करना चाहते हैं उसके साथ में हम लोग ने पाइड मिक्स किया, तो हमारे पास पहले ही रिजल्ट क्या आएगा, डोमिनेंट है वाइट फेस, अपना एक डोमिनेंट जीन रखता है, तो सब के सब मेरे पास पहले क्लच में वाइट फेस आएगा, लेकिन वो वाइट फेस के अंदर पाइड का जीन मिक्स होगा, वो मेरे पास 100% मेरे को एक बुक में लिख लेना है अपने, या अपने कंप्यूटर में डाटा के तौर पे सेव कर लेना है कि मेरे पास ये बर्ड था, इसकी पेयरिंग मैंने किया, मेरे पास ये बच्चे हैं, ये बच्चों के ब्लड में पाइड का पाइड की ब्लड लाइन है कंफर्म। अब मैं उसको आगे फर्दर बिल्ड करूंगा पाइड के साथ में, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास बहुत उमदा क्वालिटी के पाइड जाएंगे। अगर समझ लो मेरे पास स्प्लिट 2 पाइड का वाइट फेस मेल है और मेरे पास पाइड की फीमेल है, अब जब मैं इनको क्रॉस करता हूँ ना तो जो मेरी पाइड की क्वालिटी है वो एक लेवल ऊपर जाएगी, वो एक बेहतरी की तरफ आएगी, वो एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की तरफ आएगी, उसका साइज में इजाफा होएगा, उसकी साइज बढ़ेगी, उसका क्रस्ट बढ़ेगा, उसकी पाइड की मार्किंग बढ़ेगी। ऐसी हर म्यूटेशन में ये काम होता है, क्योंकि देखो जो बेस है कॉकटेल का वो है ग्रे, ग्रे से ही सब बना है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। और जो पिछले सीरीज में काम करते हैं उनका बेस है व्हाइट फेस, ग्रे व्हाइट फेस बोलते हैं जिसको हम लोग, वो बेस है। तो हम लोग को कोई भी अगर बड़ी ब्लड लाइन है, जैसा बड़ी पेयरिंग है, बड़ी म्यूटेशन है, उसको अपने पास में बच्चे छोटे साइज में आ रहे हो, बच्चे बच्चे की फेदर कंडीशन अच्छी नहीं आ रही हो, मार्किंग्स अच्छी नहीं आ रही हो, तो उसको हम लोग को बेसिक में ले जाना पड़ता है।
बेसिंग में ले जाने के बाद में फिर उसके स्प्लिट्स बनते, स्प्लिट्स के बाद में फिर उसको क्रॉस पेयरिंग करके प्योर बनते, प्योर जब ब्रीड आती है अपने पास जो थर्ड जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास में देसी की आएगी, सेकेंड जनरेशन में 50-50 आएगा, जब थर्ड जनरेशन उसकी चालू हो जाएगी, थर्ड जनरेशन हमारे पास ब्रीड करना चालू होगी, तो आएगी प्योरिटी, जो रहेगा खरा सोना, जो प्योरिटी, जब उसकी जो प्योरिटी आएगी वैसी प्योरिटी आपको फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में नहीं मिलेगी। तो थर्ड जनरेशन, इसके लिए मैं बोलता हूँ इसके लिए 3 साल चाहिए, क्योंकि देखो थर्ड जनरेशन है, सीधी बात है कॉकटेल, मैं 2 साल में बर्ड, 1.5 साल में 2 साल में एडल्ट होता है बर्ड, मैं मिनिमम 1 साल पकड़ रहा हूँ, तो 3 जनरेशन में खेलने के लिए आपको चाहिए 3 साल, 3 साल का टाइम चाहिए भाई, तो एक दो साल में या 6 महीने में ब्लड लाइन आपकी नहीं बन पाएगी, तो 3 साल का टाइम चाहिए। अभी 3 साल के टाइम में क्या हो जाएगा, आपको मालूम रहेगा कि मेरा ये बर्ड है, ये बर्ड किस में से आया हुआ है, मैं इसको क्या पेयरिंग करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जितने भी बर्ड है, अभी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे जानते हो, मेरे पास जितने भी बर्ड है सबकी पेडिग्री मेरे पास मेंटेन है, तो मुझे ब्रीड पे लगाने के पहले ही मालूम रहता है कि ये रिजल्ट मेरे को आ सकता है, ये रिजल्ट मेरे को आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट मुझे आता भी है। तो वो रिजल्ट जानने के लिए आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा भाई लोग, आपको खुद इस पे मेहनत करना पड़ेगी। आप डायरेक्ट मुझसे पूछोगे, मुझसे अगर बर्ड परचेस किया हुआ है तो ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, लेकिन अगर मुझसे नहीं लिया हुआ है, कहीं बाहर से लिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं, जिसका मुझे खुद पता है, जो मुझे खुद जानकारी है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो प्लीज़ भाइयों, जिसको भी मेरे वजह से बुरा लगा हो कि मैं आपको पेयरिंग नहीं बता पाया, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाया, तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, आप लोगों से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह ये थी, आप जान लो। तो प्लीज़ भाई लोग, शहबाज भाई से नाराज़ मत होना और बुरा नहीं लगने देना, क्योंकि देखो उसके पीछे का फैक्ट ये है, और मैं पर्सनली एक एक मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ये सब बातों के लिए, क्योंकि मेरे ओन कस्टम, मेरे जो ओन क्लाइंट्स हैं, उनके भी मेरे को बहुत मैसेजेस संभालना पड़ते हैं, उनका भी मेरे को जो भी है उनका डाउट्स है वो क्लियर करना पड़ता है, उनको भी मेरे को गाइडेंस देना पड़ती है। तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ भाई लोग आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता पाया, इसके लिए वीडियो के जरिए से आपको बता दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना, ताकि बंदा समझ पाए कि ये खेल किस चीज़ का है, ये पैटर्न क्या है। और इसलिए कभी भी देखना, आपको ट्रेडर आपको कम कीमत में बर्ड सेल कर सकता है ब्रीडर के मुकाबले, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ती है, उसको 2-2, 3-3 साल उसको देना पड़ता है, तो वो 2-2, 3-3 साल की मेहनत वो 1500 में नहीं बेचेगा। तो यही वजह रहती है रेट्स के डिफरेंस की, ब्लड लाइन का जो खेल रहता है वो यही रहता है, म्यूटेशंस का खेल यही रहता है, क्वालिटीज़ का खेल यही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।